तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो अभी मैं आया हूँ बाल कटवा के, देखिए। और लगता है बहुत जल्दी गंजे हो जाएंगे, हमारे बाल तो बहुत कम हो रहे हैं मेरे, देखो। अब इसका कुछ इलाज कराना पड़ेगा। और आज है अष्टमी, तो अभी अष्टमी पूजने की पूरी तैयारी हो रही है। और जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, चीकू हमारा अभी तक सोया हुआ है, चीकू अभी नहीं उठा है, तो मैं जल्दी उठ गया था। तो अब इसके बाद नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर इसके बाद अष्टमी कन्या पूजन का काम करते हैं। तो बने रहे, आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसे ही मैंने चीकू का नाम लेके चीकू उठानी, देखिए आप हमारा बदमाश, देखो। हाय गाइज कर दे, हाय गाइज बोल दे। ये देखो 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 कैसे करवट ले रहा है, देखो बिस्तर पर, ये देखो इसको। और अब जाके ये थोड़ा ठीक हुआ है, तबीयत इसकी खराब थी, खांसी जुखाम इन्फेक्शन, और रात भर सोता नहीं था, तो अब पहले से बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना चीकू? अब आप पहले से ठीक हो, है ना? तो ये देखिए चीकू अब उठने वाला है। चीकू हाय गाइज बोल दे। तो अष्टमी पूजा का फाइनल तैयारी हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे नारियल। अब नारियल को तोड़ेंगे हम, और ये माता रानी का छोटा सा मंदिर, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये जौ उगाई है यहाँ पर हरियाली, और ये इस तरह से उगी हुई है, तो अच्छा लग रहा है। आज अष्टमी हम पूज रहे हैं, और देखिए आज यहाँ पर जितनी कन्याएं आएंगी उनके लिए पैकिंग कर चुके हैं प्रसाद, जो उनको देंगे यहाँ पर। और साथ में बने आज छोले, और इधर आपका बना हुआ है हलवा, और ये अभी कुछ सब्जी बन रही शायद अभी। तो अष्टमी पूजने के बाद ही प्याज वगैरह लहसुन चखेंगे, पहले अष्टमी पूज लेंगे। और ये आपका दूध गर्म हो चुका है, और बाकी क्या, मेरे ख्याल से पूरियां बन चुकी हैं। हाँ जी, क्या क्या बनाया? पूरी, छोले, हलवा। तो चलिए हम नारियल को तोड़ते हैं, और इसका जो जल है इसमें वो निकालते हैं। तो आप सभी को आज की अष्टमी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी आपको हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद दे, और आपके घर में खुशियां आए। तो फाइनली जो नारियल था वो कट चुका है, और जो इसमें जल निकला और गंगा जल गौमूत्र हमने घर में छिड़क दिया है, और जो कन्याएं आएंगी उनके लिए यहाँ पर प्रसाद की पूरी व्यवस्था कर दी है, डब्बों में पैक कर दिया है, क्योंकि बच्चे जो है आजकल जो बच्चियां आएंगी उनको एक घर में नहीं कई घरों में जाना होता है, इसलिए उनको प्यार से ये प्रसाद पकड़ा करके और उनके पांव धो करके फिर माता रानी की अष्टमी हम मनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर पूजा हो चुकी है, और ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये, और देखिए यहाँ पर जो जौ की हरियाली है कितनी सुंदर लग रही है। तो आइए मनाते हैं अष्टमी। और ये देखिए यहाँ पर सारी कन्याएं पहुंच चुकी हैं, और इनके पांव जल से धो रहे हैं। और ये देखो लड़के भी आए, दो बच्चे, तीन बच्चे। और ये देखिए आपका नाम क्या है, फटाफट बोलो आपका नाम। हाँ, और ये हमारा बदमाश चीकू, आपका नाम क्या है? जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाँ चीकू जोर से बोलो, जय माता की, हाँ जोर से बोलो भाई, बोल बोल बोल, हाँ जोर से बोलो भाई, अरे बोलो जोर से बोलो, हाँ वो अकेले लगा हुआ जय माता दी बोलने में। डबल डबल वो लंबा जय माता दी। आप सारे बोलो। अरे बच्चों को प्रसाद वितरण हो रहा है,
बेटा खोल दो डब्बे खोलो, ये हाँ ये डब्बे मिल गए थोड़ा एक एक, हाँ खिलाओ, चलो पकड़ो चीकू, पकड़ो ये चीकू को भी डब्बा मिल चुका है देखो। वाह बेटा उल्टा नहीं करते, सीधा करो इसको। ये देखिए मैडम सबको चिप्स भी दे रही है, बांट रही है। चलो वेरी गुड, शाबाश, पकड़ो 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 पकड़ो, वेरी गुड। अरे वाह, तो सबके सब एक बारी बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, ठीक है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आची उसके साथ भी बोल दो, ठीक है? लाइन से जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अच्छी को भी आज प्रसाद मिला और ये चिप्स मिल गए हैं देखो, और ये साइकिल इसने सुबह सुबह अपनी तोड़ दी है और ये चिप्स मिला, इसको बड़ा खुश हो गया। थैंक यू किसको बोला आपने? थैंक यू बोला आपने? थैंक यू, अच्छा दीदी को थैंक यू। अरे हुआ, तो देखिए जी शानदार नाश्ता और प्रसाद आ चुका है और मैं करने जा रहा हूँ नाश्ता, ये देखिए। और ये आपका छोले और आपका हलवा, रोटी पूरी और आलू की शानदार सब्जी आ चुकी है। और आज हम अष्टमी का व्रत तोड़े हैं, मैंने तो लास्ट के दो व्रत रखे थे, बाकी बच्चों ने पूरे 8 दिन के व्रत रखे हुए हैं। नहीं दूंगा पानी। हाँ पियो पियो। तो अभी हम अपना व्रत खोल रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से माता रानी को, माता रानी का आशीर्वाद मिले, सबके घर में खुशियाँ आए और आप सभी को जय माता दी और नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। और चलिए नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर बाद में। प्रसाद बनाया था वो देने के लिए। अच्छा ये देने के लिए पैक हो रहा है, ये प्रसाद देने के लिए पैक हो रहा है देखो। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं आपके 10:15 और आज का खाना पीना सब कुछ होता है टाइमली। और अभी मैं आया हूँ काम करके और बच्चे भी गए थे नानी के घर, उनको वहाँ से लेकर आया हूँ। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे तरीके से आज जो है अष्टमी मनाई हमने माता रानी की, वो आपने वीडियो में भी देखा होगा। और उसके बाद मैं अपने काम पर चले गया था, आज पूरे दिन इतना बिजी रहा कि दिन का लंच भी नहीं कर पाया, सुबह ही जो प्रसाद लिया था उसके बाद अभी शाम को ठीक 7 बजे मैंने खाना खाया। और उसके बाद आए घर, तो अभी घर आए तो घर आने के बाद टीवी पर और दिन की तरह हमारे चीकू का कब्जा है और जो कि अब देखने नहीं देता है, उसका ही कार्टून चलता है। आज भारत और न्यूजीलैंड का मैच है तो मैं अपने मोबाइल पर ही देख रहा हूँ डिज्नी स्टार पर, तो आपको भी दिखाते हैं। वैसे इंडिया जीतने के बहुत करीब है लेकिन स्ट्रगल अभी भी लास्ट में बचा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त फाइट है। न्यूजीलैंड भी पूरा प्रयास कर रही है आउट करने की, लेकिन आई होप अभी विराट कोहली और जडेजा खेल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 99.1% अभी भी उम्मीद है, 0.1% कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99.1% इंडिया के फेवर में पूरा मैच है। आई होप कि आदि का जो ड्रिंक था वो सुबह पिया नहीं था तो अभी मैं पी रहा हूँ। और अभी देखते हैं बाहर चीकू क्या कर रहा, देखो चीकू वैसे ही बदमाशी कर रहा है और सामने इसकी टीवी लगी है और कार्टून चल रहा है इसका माशा, ये देखो। हाय गाइज बोल दे, इधर देख के बोलो हाय गाइज, बोलो और पूछो, बोलो कैसे हो आप, कैसे हो आप। अच्छा ये देखो स्टंट बाज है ना, और एक ये कुछ है कैम, ये देखो ना इसको पता नहीं क्या लगी है, मतलब कि कोने में बैठ के है और पूरा ही थोबड़ा लाल उड़ गया इसका, आज ऐसा लगा थप्पड़ ही थप्पड़ खा के इसने, देखो है। तो ये देखिए सुबह से मैडम को टाइम नहीं लगा तो अभी सफाई करने पे लगी हुई है, शायद कुछ गिरा नीचे और ये बर्तन रह गए कुछ मांजने के लिए तो बर्तन मांजे जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए कल के लिए छोले की तैयारी हो रही है,
तो जो छोले बच गया था आज, और वो फिर से दोबारा कल सुबह मिलेंगे। और ये वैसे ही माता रानी का छोटा सा यहाँ पर मंदिर सजा हुआ है, और माता रानी के अष्टमी में हम आज मना चुके हैं। तो जय माता दी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये में इंडिया बस जीतने वाली है, हम लोग जीतने वाले हैं। 7 रन दूर हैं और कोहली भी अपने अर्धशतक से 7 रन दूर हैं। आई होप कि ये 7 रन पूरे हो जाएं और इसके 100 रन पूरे हो जाएं। और कोहली को भी 5 रन चाहिए शतक के लिए, और इंडिया को भी जीतने के लिए 5 रन चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और 101% जीत भारत की झोली में आ चुकी है, और हम बहुत लकी हैं। और टुडे ये धर्मशाला का यादगार मैच आज का, कोहली ने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार, और एक इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद बहुत अच्छी पारी जो उनसे उम्मीद थी वो आज खेली है उन्होंने। ये बोलिए, अरे यार कोहली आउट हो गया यार, 5 ही रन चाहिए थे यार, कैच आउट हो गया यार। हाय दोस्तों, गुड नाइट, इधर देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो यार, बाई सी यहाँ बोल देना, उधर जाके बोल दे बदमाश। तो अभी चीकू को ये नाक में ड्रॉप डाली जा रही है इसकी नोज पे, तो ये डालने से मना करता है, ये देखो इसको। हाँ वेरी गुड, ये तो गुड बॉय है, गुड बॉय। आराम से डालेंगे, चलो लेट पहले। कितने ड्रामे बाज है। आई ड्रॉप डालना है, मम्मी जानी जा फिर मम्मी के पास जा, जा जा जा, एक नंबर। तो फाइनल भारत जीत चुका है, और जडेजा ने 4 रन की बाउंड्री लगा करके भारत को जीत दिलाई, यानी कि हम लोगों को जीत दिलाई। तो बहुत खुशी हो रही है। बस हम लोगों के कैमरे सब ऑन थे जैसे कोहली ने मारा, लेकिन कैच आउट हो गया। लग रहा था इसी शॉट पे इंडिया जीत जाएगी 6 रन के साथ, कोहली का शतक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये उनके लिए हार्ड लक है और बहुत अच्छा। और ये इंडिया ने आज 5वां मैच जीत गया है, लगातार 5 मैच जीतना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से जीतते रहो, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप दिलाओ। तो भारत माता की जय, और जय माता दी। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। अगर किसी को हमारे आज का ये ब्लॉग, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले एक नए ब्लॉग में, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय।